हेलो एंड वेलकम टू 51st एपिसोड ऑफ लो बैक पेन सीरीज। आई एम डॉक्टर वरुण वासिल और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ऐसी तीन चीज़ों की या मूवमेंट्स की जो डिस्क बल्ज पेशेंट वाले को बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। या तो जिसको डिस्क बल्ज है वो ये चीज़ें बिल्कुल ना करें और जिसको नहीं है उसको प्रोटेक्ट कैसे करना है वो भी ना करें। तो इसलिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिर्फ ऐसी तीन मूवमेंट्स हैं जो हमें सबको अवॉइड करनी चाहिए ताकि डिस्क स्लिप ना हो और जिसकी ऑलरेडी हो चुकी है उसकी दोबारा से ना हो या उसको कोई प्रॉब्लम ना है, उसके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए क्योंकि इसको देखने के बाद आपको पता लग जाएगा कि हम कौन सी खराब मूवमेंट करके अपनी डिस्क बल्ज करवा चुके हैं या उसको कैसे बचा सकते हैं। तो इसको लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि कभी भी रोटेट होते होते हमने झुकना नहीं है। जिस तरह हम क्या करते हैं, इस तरह से रोटेट होते होते आप इस तरह से कोई चीज़ उठाने के लिए झुक जाते हैं। अब रोटेशन विद बेंडिंग क्यों नहीं करना चाहिए वो मैं आपको समझाता हूँ। अब देखिए, ये होता है हमारा डिस्क, आपको मैं ये क्रॉस सेक्शन एरिया बता रहा हूँ, ये होती है हमारी डिस्क और ये होते हैं एनुलर रिंग्स। अब ये एनुलर रिंग्स क्या है, ये ऐसे 20 कंसेंट्रिक सर्कल्स होते हैं, ये कंसेंट्रिकली होते हैं इस तरह से। अब ये इस तरह से घूमे हुए होते हैं और ये होते हैं बीच में न्यूक्लियस। अब मान लीजिए ये जो रिंग्स हैं, अगर ये इस तरह से 20 रिंग सर्कल्स हैं जो न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट करके, क्योंकि न्यूक्लियस में ही है जो जेली लाइक मटेरियल और वाटर जो है वो स्टोर करके रखा हुआ है, इन एनुलर रिंग्स ने किया हुआ है। अब आपने एमआरआई में देखा होगा एनुलर टीयर आता है, तो एनुलर टीयर क्या होता है, जब ये रिंग टूट के ये जो फ्लूइड है ये बाहर की ओर मूव कर जाता है, पूरा नहीं, ये इस तरह से मूव कर जाता है जो डिस्क वाला पार्ट, तो उसको हम कहते हैं कि एनुलर टीयर हो गया है। तो एनुलर टीयर जब भी होता है तो इस तरह से ही होता है, तो एनुलर रिंग्स टूट जाते हैं। वो कैसे टूटते हैं, अब जो चीज़ कंसेंट्रिकली, आपको मैं बताता हूँ, इस तरह से जो चीज़ कंसेंट्रिकली हमारी पड़ी है इस तरह से, अब मान लीजिए जब वो घूम जाता है, अब आधे इसने प्रोटेक्शन दिया हुआ है, आधे इधर ने, 50-50 प्रोटेक्शन है। अब जब वो घूम जाता है तो एक तरफ का 50 प्रोटेक्शन जो है वो कम हो जाता है। मान लीजिए इस तरह से ब्लॉक था, ये सामने मेरा हाथ देखिए, पीछे से इन्होंने ब्लॉक किया हुआ है, आगे से इन्होंने ब्लॉक किया हुआ है। अब मान लीजिए जब हम रोटेट होंगे तो इस तरह से रोटेट हुए, अब ये जो आगे वाला 50% है या पीछे वाला 50% है, वो हमारा जो है वो प्रोटेक्शन खत्म हो गया है। अब जब वो प्रोटेक्शन खत्म हो गया है तो फ्लूइड के निकलने का रास्ता बन जाता है। तो इस तरह से जो लोग ज़्यादा रोटेट करते करते झुक जाते हैं या कोई चीज़ पीछे पड़ी है उसको रोटेट करते करते उसको देखते हैं या झुक जाते हैं, तो उसकी वजह से उनको प्रॉब्लम आती है। तो इस तरह से हमारे घूमने से कई जगह पे ऐसे वीक पॉइंट बन जाते हैं जो हमारा जो न्यूक्लियस है या जो वाटर है, जो फ्लूइड है, उसको निकलने की जगह दे देते हैं। इसीलिए हमारा डिस्क बल्ज होता है ज़्यादा पोस्टीरियो लेटरल, पोस्टीरियो यानी कि पीछे की ओर ही होता है और वो लेटरल साइड होता है, क्योंकि हम झुक रहे हैं तो फोर्स पीछे की ओर जा रहा है और एक तरफ मुड़ने की वजह से वो दूसरी तरफ, अपोजिट तरफ चला जाता है क्योंकि वहाँ प्रोटेक्शन कम हो जाती है। तो ये तो था हमारा फर्स्ट पॉइंट कि नेवर रोटेट वाइल बेंडिंग। और सेकंड पॉइंट आता है कि ज़्यादा देर तक हमें सिटिंग भी नहीं करना चाहिए। ये सेकंड पॉइंट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जैसे कई लोग ऑफिस में बैठे रहते हैं, घर पे भी बैठे रहते हैं काफ़ी देर तक, या जो ड्राइवर्स हैं कार ड्राइविंग कर रहे हैं तो काफ़ी लंबे समय तक उनको सिटिंग करनी पड़ती है। तो वो क्या करते हैं, जब वो बैठे रहते हैं तो उनका जो डिस्क होता है ये इस तरह से, हमारा स्पाइन ये फ्लेक्शन की तरफ चला जाता है। अब ये फ्लेक्शन आ रही है क्योंकि वो सिटिंग कर रहे हैं। अब जो डिस्क का पार्ट है, अब ये मान लीजिए ये डिस्क है, ये पीछे की ओर ज़्यादा मूव करना शुरू कर देती है क्योंकि जब हम बैठे हैं तो वो पीछे की ओर निकलती है क्योंकि फ्लेक्शन में है स्पाइन। तो इसी तरह से अगर मैं इसको इस तरह से कर दूँ तो ये जो रिंग्स होते हैं अब इन पर स्ट्रेस पड़ना शुरू कर देते हैं। तो ये बीच में हमारा हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया, तो इस तरह से ये जो रिंग्स होते हैं आगे और पीछे इस तरह से होते हैं, अब यहाँ पे प्रेशर पड़ना शुरू हो जाता है जिसकी वजह से डिस्क जो है वो पीछे की ओर आनी शुरू हो जाती है। तो आप अपने एमआरआई में चेक करना, आपको एनुलर टीयर मिलेगा। अब एनुलर टीयर मिलता है पर सबको वो प्रॉब्लम नहीं करता क्योंकि इसका एक ही प्रॉब्लम, इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि जब ये फ्लूइड पूरा बाहर निकल के पीछे पड़ी ड्यूरा लेयर को या किसी नर्व को टच करता है तभी पेशेंट को पेन फील होता है। अदरवाइज ये 20 रिंग्स में से किसी के 5 टूटते हैं, 10 टूटते हैं, 15 टूटते हैं, उसको कोई फील ही नहीं होती। या कईयों को कई बार सिर्फ एनुलर टीयर की वजह से पेन नहीं होता, कोई और वजह से भी पेन होता है। तो इसलिए जब ये रिंग्स टूटते हैं तब हो सकता है कि पेशेंट को पेन ही ना हो, उसको पता नहीं लगे कि ये रिंग टूट रहे हैं, पर जब डिस्क ये रिंग से बाहर आ जाएगी, ड्यूरा लेयर को टच करेगी, तभी एक पेन की सेंसेशन होगी। इसीलिए ये किसी को नहीं पता लगता कि मेरी डिस्क कब कब कहाँ कहाँ पे बाहर आ रही है, और एक जब वो बिल्कुल बाहर आ चुकी होती है तब उसको एक शूटिंग पेन शुरू हो जाता है। तो यही हमें ध्यान रखना होता है, अगर हम ये चीज़ें करेंगे तो हमारे रिंग्स भी बचे रहेंगे और यहाँ पे जो हमारा सिटिंग, जो सेकंड मैं पॉइंट बोल रहा हूँ,
जब हम सिटिंग ज़्यादा देर करेंगे तो वो फ्लेक्शन की बजाय हमें धीरे धीरे या तो अपनी मूवमेंट चेंज करते रहें हर 30 मिनट्स के बाद। मैंने ये प्रॉपर एक वीडियो बनाया था कि हर 30-45 मिनट्स के बाद आपको एक मूवमेंट चेंज करना है। मूवमेंट चेंज कैसे करना है, अगर बैठे हैं तो थोड़ा सा खड़े होके अपना हल्का सा बैक बेंडिंग किया फिर बैठ गए, क्योंकि आपने क्या किया उस जो लगातार एक पीछे की ओर फोर्स जा रहा था उसको एक फोर्स आगे की ओर दे दिया जिसको आपने कंपनसेट कर दिया। या अपने कोर मसल्स को इतना स्ट्रेंथन कीजिए, इतनी स्टेबिलिटी लाइए, बीच बीच में टमी टक इन करते रहिए ताकि कोर मसल जो है वो हमारे मसल इंबैलेंस होने से बचा सकें और यहाँ पे डिस्क को प्रोटेक्ट कर सकें बाहर निकलने से। तो अब चलते हैं अपने थर्ड पॉइंट की तरफ। अब थर्ड पॉइंट में पहले भी बहुत वीडियोज में बता चुका हूँ कि जो डिस्क होती है उसका जो फ्लूइड होता है वो सुबह सुबह वाली, जब हम सुबह सुबह उठते हैं तब वो डिस्क ने वाटर स्टोर किया होता है, तो हर डिस्क जो है वो थोड़ी थोड़ी बड़ी हुई होती है तो उसके निकलने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ जब भी आप सुबह उठें तो पहले थोड़ी देर वॉक करें या खड़े रहें ताकि उस पर लोडिंग प्रेशर आए, क्योंकि अनलोडिंग रहती है सारी रात जिससे वो वाटर स्टोर किया होता है। और एकदम से हमारे झुकने से या कोई एक्टिविटी करने से, इसीलिए ज़्यादा केसेस क्या होते हैं कि वो कहते हैं मैं ब्रश करने लगा या मैंने कुछ बकेट से कुछ उठाने लगा तो जैसे ही झुका या सॉक्स पहनने के लिए टांग ऊपर गया और वहीं पर लॉक हो गया। तो ये चीज़ें हमारे ना आए, तो हल्का सा पहले वॉक करिए और थोड़े वाइब्रेटरी मोशन, जिस तरह से हम ट्रैवलिंग करते हैं तो उसमें वाइब्रेटरी मोशन होते हैं या हम जंपिंग एक्टिविटी करते हैं तो वाइब्रेटरी मोशंस को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। अवॉइड इस तरह से करना चाहिए, पहले अपनी जो स्ट्रेंथ है उसको बना लें उसके बाद वो करें तो ईजी रहेगा। तो जैसे सुबह उठते हैं तो पहले अपनी मूवमेंट्स जो हैं, मैंने आपको बनाया भी था आपको कि पहले वॉक करें हल्का सा, अपना जो बच्चे चिन के नीचे रख के टीवी देखते हैं उस पोजीशन में, एक्सटेंशन पोजीशन में थोड़ी देर रहें ताकि जो डिस्क है वो अपने प्लेस पे रहे, क्योंकि उसने वाटर स्टोर किया हुआ है और झुकेंगे जितना ज़्यादा वाटर है उतना उसकी मोबिलिटी ज़्यादा है तो वो पीछे की ओर मोबाइल यानी कि पीछे की ओर जा सकती है, तो इसलिए इसको अवॉइड करना पड़ेगा। अब लोग पूछते हैं कि अगर आप कह रहे हैं कि इस तरह से झुकना नहीं चाहिए तो झुकें कैसे, उसके लिए मैंने एक और वीडियो बनाया हुआ है कि जब हमने झुकना है यहाँ तो नीज बेंड कर लें, और अगर नी वाले पेशेंट हैं तो इस तरह से उनको मैंने बताया हुआ है कि एक टांग पे हम कैसे झुक सकते हैं ताकि जो हमारा हिप है वो पूरा मूव कर जाए, क्योंकि इसके ऊपर मैं एक और वीडियो बनाऊंगा लंबो पेल्विक रिदम पे कि हमें झुकना प्रॉपरली कैसे चाहिए। जो वीडियो बना हुआ है उसके जाके आप देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। क्योंकि अगर आप कह रहे हैं कि रोटेशन करते करते बेंड नहीं करना तो किस तरह से बेंड करना है वो आपको मैंने बता दिया। अगर आपकी कोई चीज़ इधर पड़ी है तो आप पहले खुद मूव कर लीजिए उधर, फिर उसको उठा लीजिए, नीज बेंड करके उठा लीजिए। या आप क्या कीजिए कि अपनी रीच जो है वो दूर से उसको जाने की बजाय उसके पास जाके वो चीज़ उठा लीजिए। थोड़ा सा आपको काम ज़्यादा करना पड़ेगा पर इसके लिए आपकी जो डिस्क है वो बची रहेगी। तो ये तीन जो चीज़ें हैं ये ज़रूर हमें देखनी है। तो नंबर वन था रोटेट करते करते हमने बेंड नहीं होना, सेकंड था रेगुलर सिटिंग नहीं करनी 30 मिनट से ज़्यादा, और सुबह सुबह हमने जो थर्ड पॉइंट था वो सुबह सुबह उठ के हमने एकदम से झुकने वाली एक्टिविटी नहीं करनी क्योंकि उस टाइम पे डिस्क मोबाइल होती है। तो ये तीन चीज़ों को अगर आप ध्यान में रखेंगे और इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिए, लोगों के साथ शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि जिसकी डिस्क नहीं भी निकली उसके लिए बहुत बेनिफिशियल है ताकि आगे उसको ये प्रॉब्लम ना आए, और जिनकी ऑलरेडी ये प्रॉब्लम आ चुकी है उनको अब पता लग गया होगा कि क्यों ऐसी प्रॉब्लम आई है, कि हमने इस तरह की कोई ना कोई एक्टिविटी की थी। और ये लेट इसलिए पता लगता है क्योंकि एनुलर रिंग्स टूटने का किसी को पता नहीं लगेगा, यहाँ वहाँ पर नर्व एंडिंग्स कम होती हैं। जब ये डिस्क पूरी निकल आती है बाहर तब लोगों को पता लगता है कि मुझे डिस्क बल्ज हुआ है, क्योंकि वो उसने उस नर्व को या उस ड्यूरल एयर को टच कर दिया जहाँ पे नर्व एंडिंग्स होती हैं। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सबके साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता लगे ये प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है या किससे बचा जा सकता है। और हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि इसका एक भी वीडियो मिस करने वाला नहीं है। और बाकी 50 एपिसोड्स का लिंक मैं आपको प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जाके आप इसको देख सकते हैं। और बहुत जल्दी हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में हम लाइव करें आपसे बात, क्योंकि आपके जितने भी कमेंट्स होंगे वो सारे मैं सुनूंगा। हो सकता है नेक्स्ट ट्यूसडे या फ्राइडे में आपको एक डेट बता दूंगा, यहाँ पे आपको एक डेट का ना लिंक दे दूंगा या आपको पता लग जाएगा मेरे एक पोस्ट पे, मैं बता दूंगा कि हम किस तरह लाइव होंगे तो उस दिन हम लाइव भी बात कर सकेंगे। और मुझसे 1-to-1 कंसल्ट करने के लिए नीचे लिखे नंबर पे जाके आप उसको अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, उसकी छोटी सी फीस होती है उसको पे करके आप मुझसे 1-to-1 कंसल्ट कर सकते हैं अपनी MRI रिपोर्ट को लेके या अपनी प्रॉब्लम को लेके। हैव ए नाइस डे, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।